ना, अब तुमको जो पता है वही मेंशन करो, उससे ज्यादा कुछ मेंशन करने की जरूरत, कुछ भी अगर आप बोलते तो ध्यान से बोलो कि हाँ मतलब दो क्या बार है। सोच के बोलना चाहिए, ये तो मुझको हाँ, भी कड़वे अनुभव हुए एक दो बार। चिड़ी की प्रैक्टिस करते थे। हाँ, हाउ आर यू? या फाइन, हाउ आर यू राज? यस एब्सोल्युटली फाइन, वेरी एक्साइटेड। यस, ओके सो लेट मी जस्ट डिफाइन टुडेज मोटो कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक्चुअली 2 months बैक जब मुझको मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी, सो आई वेंट ऑन टू यूट्यूब एंड सर्च की क्रेस्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बट मुझको मिला नहीं एक भी। सो कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे इंटरव्यू होता है, क्या होता है, कुछ पता नहीं था उस समय। सो जूनियर्स लोगों को ये सब दिक्कत ना आए, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। सो लेट्स बिगिन। यस यस श्योर। प्लीज गिव योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू द ऑडियंस। सो आई एम कृतिक घड़िया। आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक आईटी फ्रॉम चारूशक्ति यूनिवर्सिटी एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट क्रैश डेटा सिस्टम। ग्रेट। सो कैन यू प्लीज टेल कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था, नंबर ऑफ राउंड्स कितने थे एंड ईच राउंड्स की डिटेल्स। सो इट वॉज माई, ये मेरा पहला इंटरव्यू था क्रैश फॉर एनी कंपनी आई हैव गिवन फॉर माई प्लेसमेंट। आई हैव सिट मीन्स मैं पहले एक दो कंपनी में बैठ चुका, पर आई हैवंट रीच टू द इंटरव्यू राउंड। दिस वॉज माई फर्स्ट कंपनी एंड आई लक्कीली गॉट सिलेक्टेड। तो द जनरल प्रोसेस फॉर क्रैश फॉर एनी कंपनी वुड बी, देर वुड बी फ्यू राउंड, राइट? सो जनरली फर्स्ट राउंड वुड बी एप्टीट्यूड राउंड। सो दिस फॉर द फर्स्ट स्टेप एंड आफ्टर दोज हु वर शॉर्टलिस्टेड वी वर गिवन द कोडिंग टेस्ट। सो कोडिंग हैड आई थिंक थ्री डिफरेंट सेक्शंस इन द कोडिंग राउंड। देर वर फ्यू क्वेश्चंस ऑफ डीएसएल कोडिंग सिंपल। The first round was for itself in the DSA round, the first where the simple questions for DSA to, there were few question given and we had to solve them. After that there was I think the what can we say that the debugging round means you will be given a piece of code and then you need to find the bugs, what is the error, and you have to make that code running. That was the second round, and after that there was another coding round which included some higher level questions. That was the second round of the coding. ओके सो ड्यूरिंग डिबगिंग राउंड लैंग्वेजेस फिक्स थे कि सी प्लस प्लस जावा ही हाँ, होगा? हमारे केस में फिक्स था कि जावा के ही क्वेश्चन। ओके मतलब सी प्लस प्लस और जावा तो बेसिक रिक्वायरमेंट से ऐसा मान के ही चलो आप। सिर्फ अब डीबगिंग के लिए फिक्स था, बाकी हम अगर देखें कि कोडिंग राउंड में, राइट, जहाँ पे हमें कोड करना है वहाँ पे देर वॉज नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज। ओके आई हैड रिटन माई द कोडिंग राउंड इन जावा स्क्रिप्ट। आई हैव गिवन माई एंटायर कोडिंग, आई हैव रिटन एवरी कोड इन जावा स्क्रिप्ट। ओके ग्रेट, या प्लीज सो कंटिन्यू। देन आफ्टर दिस कोडिंग राउंड अगेन वी वर शॉर्टलिस्टेड एंड those who were shortlisted for, they were shortlisted for the the interview rounds, the technical interview rounds. And so the next day we were having the technical interviews. So the basic question I would say for me, for in my case, the interviewer asked me the full entire resume. So he firstly the basic introduction and all started from there, and he took my resume and started scanning the entire thing, and he basically asked me my whole resume. So I would suggest to mention the thing, अब तुमको जो पता है वही मेंशन करो, उससे ज्यादा कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं। ये इससे ज्यादा कोई नहीं समझ पाएगा क्योंकि मेरा फर्स्ट, बताता हूँ क्या हुआ था। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था मोटोरोला में,
वो जो ट्रेनी प्रोग्राम होता है उसमें, तो मैंने मेंशन किया था एसक्यूएल, और एसक्यूएल सिलेक्ट एंड इंसर्ट क्वेरी आती थी। उन्होंने पूछा कि डीएमएल क्या होता है पता है, मैंने दो तीन एग्जांपल दिए, उसके बाद बोला कि वी कैन ऑलवेज गूगल इट। और जैसे ही उन्होंने सुना कि वी कैन ऑलवेज गूगल इट, इतना डांटे वो मुझको कि यू कैन ऑलवेज गूगल इट, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो उसके हाँ बाद से मतलब रिज्यूमे में जितना आता है उतना ही लिखता हूँ। यार, सो रिज्यूमे के ऊपर आपकी एक सिंपल कॉपी है जो आप लिखते हो, मतलब वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। सपोज मैंने कोई प्रोजेक्ट किया है, सपोज 3 4 प्रोजेक्ट, लेट्स से आई हैव डन इन अ ग्रुप, राइट? सो वी आर लाइक 4 पीपल आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट, एंड इफ आई हैव मेंशन दैट प्रोजेक्ट, देन यू शुड एटलीस्ट जस्टिफाई दैट व्हाट वाज योर पार्ट इन दैट प्रोजेक्ट। दैट्स इट। If you don't know what you should at least know what your teammates did. If you don't entirely know that, then it's fine. Great, great. So yeah. So apart from in the resume, oops was the thing for 1 hour straight up in every question they ask me oops. They try to related Oh. try to relate every question with oops. They try to ask me like, what are the ops concepts that I use in my projects? So those are questions. Then they also ask me, so skills and the projects. So they ask me question related to the skills that I mentioned that I have mentioned in my region, right? Then the projects that. So basically, I have mentioned 3 projects. So they told me like, मैंने क्या काम किया था इस project में. कोई और ग्रुप मेंबर था कि नहीं था, प्रोजेक्ट क्या है, क्यों बनाया आपने, तो बेसिक क्वेश्चंस होते। इन द इंटरव्यू आल्सो दे आल्सो गिव मी लाइक कोडिंग क्वेश्चंस मुझे दिए थे, बेसिक्स टू सॉल्व, टू नो दैट हाउ एम आई यू नो एट थिंकिंग, हाउ एम आई विल बी सॉल्विंग दैट क्वेश्चंस। तो ऑलमोस्ट ओके, लाइक मतलब कि वो क्वेश्चंस देते ये चेक करने के लिए कि आपकी थिंकिंग कैसी है, ना हाँ कि एग्जैक्ट आंसर के लिए। या सो हाँ इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन 100%, राइट? तो आपको खाली आइडिया दे देना है कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, आप उनके साथ कैसे बात करोगे, मीन्स क्या पूछोगे, और आपका आंसर गलत होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसे कुछ 4 5 क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे थे। तो दैट वॉज ऑल फॉर द इंटरव्यू राउंड। फिर उसमें से क्वेश्चन के अंदर से क्वेश्चन वो लोग निकालते हैं सिर्फ, दैट्स द थिंग देयर। तो यू शुड यू नो कुछ भी अगर आप बोलते तो ध्यान से बोलो कि क्या हाँ, मतलब दो बार सोच के है। बोलना चाहिए। ये तो मुझको हाँ भी कड़वे अनुभव हुए एक दो बार कि जो भी कुछ नेक्स्ट लाइन वो पकड़ते हैं बहुत जल्दी है। तो अगेन हाँ ये राउंड हो गया है अपना टेक्निकल राउंड। उसके बाद हाँ उसके बाद सिर्फ हमारा एचआर राउंड था कि जो टेक्निकल राउंड में से सिलेक्ट हुए उनको एचआर राउंड में आगे भेजा गया। एचआर राउंड में कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल तो नहीं था, यू कैन से बेसिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल, दैट वाज इट इन द एचआर राउंड। ओके, ग्रेट। सो आपने मेंशन किया कि आपको उप्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो उप्स हाँ की प्रिपरेशन तैयारी कहाँ से की थी आपने, कब स्टार्ट किया था, मतलब सीरियसनेस के साथ कि अब प्लेसमेंट के लिए स्टार्ट करते हैं वैसे। अभी पूरा प्रिपरेशन लाइक देर वॉज नो आई मीन्स मैंने कुछ शेड्यूल नहीं किया था कैसे करूँगा प्रिपरेशन। उप्स तो यू कैन नो मैं फर्स्ट टाइम से हम सीखते आ रहे, तो वो ऑलरेडी था, खाली सिर्फ रिवाइज रिवीजन करना था कि क्या है एग्जैक्टली, कैसे समझाएंगे अगर वो हमें पूछ रहे हैं। तो यस, तो ऐसे प्रैक्टिस किया था कि थोड़ा वीडियोस देख ले यूट्यूब पे और ऐसे ही, और थोड़ा नोट्स हमारे जो पिछले साल के थे हमारे पास उनमें से थोड़ा रिफर कर लिया कि क्या था। ओके, सो ड्यूरिंग अवर इंट्रोडक्शन आपने बताया कि आपको डीएसए की जरूरत इतनी नहीं पड़ी थी, जितना कॉलेज वाले कराते हैं वो इनफ था। सब लट से लीड कोड है कर रहे हैं कि वहाँ पे थोड़े बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड अगेन आई ग्रेट। वाज आई वुड से आई वाज लिटिल बिट लकी फॉर द यू नो कोडिंग राउंड,
क्या है कि जितने भी लोग इंटरव्यू मीन्स कोडिंग राउंड दे रहे होंगे सबको अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, हार्डली किसी को शायद एक या दो रिपीट हो जाए क्वेश्चन। तो आई वॉज लिटल लकी दैट आई वॉज थोड़ा इजियर क्वेश्चन आ गए, थोड़ा बहुत लक भी चाहिए थे इंटरव्यू, ये भी है। अच्छे काम करो भाई। हाँ अच्छे काम कर लो थोड़ा काम आ जाएगा। ओके ग्रेट। ओके उसके बाद एचआर के लिए कुछ प्रैक्टिस की थी, मॉक इंटरव्यू टाइप या वैसा कुछ? देखो एचआर के लिए डायरेक्टली ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया था, पर हम जीडी की प्रैक्टिस करते थे, लाइक ग्रुप्स में कैसे करते थे कि 3 4 हमारे 8 लोगों का ग्रुप है तो हम साथ में बैठ जाएंगे, जनरल कोई भी टॉपिक चालू है तो जस्ट डिबेट चालू कर देने का कि कौन ज़्यादा टिक पाता है ज़्यादा देर तक, कौन कितना बोल पाता है। बस दैट्स इट। एचआर हमें सिर्फ आपकी है ना वो पर्सनालिटी चेक करेंगे कि आप कंपनी के एनवायरनमेंट में कैसे रह पाओगे या नहीं रह पाओगे, तो वहाँ पे इवेल्यूएशन इतना ही होता है बस। ग्रेट। सो अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि प्रोजेक्ट्स के आइडियाज कहाँ से लेने चाहिए? अभी हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें कुछ आइडिया नहीं होता, राइट। हम जब अपने थर्ड सेम से शायद प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दिया था, राइट, तो थर्ड सेम में हमें ये नहीं पता होता है कि चालू कहाँ से करें, पहले तो करना क्या है। सपोज मेरे पास आइडिया भी आ गया, कुछ मेरे को बनाना है, तो आई वुड से दैट कि आइडिया तो सिंपल बेसिक पहले सिलेक्ट कर लेना चाहिए, राइट। पहले अगर आप पर्सनली मीन्स आपको इंटरव्यू में रिज्यूमे मेंशन करने के लिए प्रोजेक्ट ना वो नहीं, अगर आप पहला प्रोजेक्ट जो बना रहे हो वो सिंपल सिलेक्ट करो कि आप अच्छे से उसको समझ पाओ कि प्रोजेक्ट चालू कहाँ से करना है। पहले इम्प्लीमेंटेशन आप स्टेप वाइज जाओगे, पहले इम्प्लीमेंट क्या करोगे, डिजाइन कुछ करोगे, तो वो पहले एक सिंपल प्रोजेक्ट से शुरुआत करो तो क्या आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि प्रोजेक्ट ऐसे डेवलप होता है, राइट। फिर लेट्स से एक दो प्रोजेक्ट आपने बना लिए, राइट, सिंपल, भले वो डुप्लीकेट कहीं पे आप किसी का और का कॉपी देख देख के बनाओ या यूट्यूब में से कोई वीडियो देख के बनाओ, तो ये इस टाइप इसलिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सुधरे कि प्रोजेक्ट अगर मैं कुछ बनाना है तो मैं चालू कहाँ से करूँगा, राइट। टेक्स्ट टेक जैसे कि आपने बोला कि सिलेक्ट कहाँ से करें, तो टेक्स्ट टेक तो देखोगे टेक्स्ट टेक थोड़ा सिलेक्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो आप जनरली क्या करते कि मैंने भी गलती की थी कि जो अभी मार्केट में चल रहा है वो उठा लिया, ये मॉन्स्टर उठा लिया कि ये है तो ये इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। अब ये वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा कि ये टेक्स्ट टेक यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट के लेवल के हिसाब से वो डिफर करेगा। तो वो गलती हमने की है कि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए सारे मॉन्स्टक में किए, वो एक गलती है, पर एक तरफ से वो क्या बोलते हैं अच्छा भी है क्योंकि वो दिखाता है कि आप कंसिस्टेंट हो प्रोजेक्ट में और आपका गोल फिक्स है कि आप इसी दिशा में आपको जाना है, राइट। अगर देखो कि सपोज आपने रिज्यूम में 4 प्रोजेक्ट मेंशन किए है, एक सपोज मशीन लर्निंग का है, एक सपोज वेब डेवलपमेंट का है, एक एंड्रॉयड ऐप का है, तो जो इंटरव्यूअर है वो देख के उसे क्या लगेगा कि आप कौन से एरिया में आप की एक्सपर्टीज है, लाइक आपको कौन से एरिया में आपको वो जज करे। अगर आपको चारों में से एक एक क्वेश्चन पूछेगा और आप फिर आपको लेट्स से सब में एवरेज आपके आए, आपको आधे क्वेश्चन आ रहे आपको आधे क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो दैट यू नो इट इज अ बैड इंप्रेशन दैट यू डोंट एंटायरली नो एवरीथिंग। उस अच्छा कि कुछ एक सपोज वेब डेवलपमेंट है तो फ्रंट एंड या बैक एंड पकड़ो, आप उसके उसके पीछे जाओ कि ये अच्छे से सीख लो, कोई भी एक यू नो टेक स्टैक सीख लो, फॉर इंटरव्यू फ्रेशर दैट इज इनफ। ओके सो ये फील्ड चूज कैसे करें, उसका डिसीजन होना चाहिए आफ्टर आई गेस थर्ड सेमेस्टर, क्योंकि तब तक आप एक्सप्लोर करो सारी फील्ड है। फर्स्ट ईयर में तो एक्सप्लोर ही करो। हाँ, पहले एक दो सेम एक्सप्लोर कर लो कि आपको इंटरेस्ट किस में है। अगर आपको ऐप डेवलपमेंट में है तो ऐप डेवलपमेंट में फिर आप चूज कर सकते हो कि आप सपोज आपको फ्लटर सीखना है, रिएक्ट नेटिव सीखना है, तो
उस हिसाब से आप सीख लो, एक्सप्लोर करो, फिर देखो कि आपको किस में ज्यादा मजा आ रहा है, उस हिसाब से फिर आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट करो, राइट। Okay. What is importance of DBMS, OS and CN? अभी वो चीजें ना देखो, आपके जॉब रोल, जॉब प्रोफाइल के हिसाब से चेंज होगा। लाइक फॉर माय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मेरे को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे थे इंटरव्यू में उसके रिलेटेड। DBMS के पूछे थे, सेवर क्वेश्चन फॉर DBMS, नेटवर्किंग का नहीं पूछा था मेरे को। पर अगर लेट से इफ आई हैव अप्लाइड फॉर यू नो डेवऑप्स, एंड दे वुड हैव आस्क्ड मी फॉर द नेटवर्किंग, CN as well. यस नेटवर्किंग और DBMS फॉर बेसिक क्वेश्चन आपको पूछेंगे, वो डेवऑप्स की रिलेटेड टू नेटवर्किंग और है, तो उसमें क्वेश्चन ज्यादा आएगी नेटवर्किंग के। ओके और कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक्चुअली पता होता है आंसर क्या है, लेकिन इंटरव्यू में आंसर देते समय मार खा जाते हैं, तो उसका कोई सॉल्यूशन? देखो एक एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, मैं जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने इंटरव्यूज दिए, तो इंटरव्यूअर अगर आपको लेने आया, वो प्लानिंग कर रहा है कि आपको लेके ही जाएगा, वो सोच के आता है मेरे को जितना लोगों को ले जाओ उतना लोगों को लेने का ट्राई करेगा। ग्रेट पहले तो अगर वो आपको क्वेश्चन पूछे तो कोई बात नहीं, 1-2 मिनट सोच लो, आप उनको बोल भी सकते हो कि जस्ट लेट मी थिंक फॉर फ्यू मिनट्स, तो दे विल वेट, वो कुछ बोलेंगे नहीं, आपको अलाउ करेंगे, वे थिंक सोचेंगे। अगर अच्छे से सोच लो फिर आप जवाब दो, कोई बात नहीं, दैट इज नॉट एन इशू। और अगर आप थोड़े बहुत यू नो आगे पीछे हो गए तो आपको हेल्प भी करेंगे और आपको करेक्ट करेंगे। ये अच्छा है, मतलब हम अगर ऐसा सोच के जाए कि इंटरव्यूअर मुझको हायर करने ही आ रहा है और मेरा फ्रेंड है, तो इट वुड बी इजी टू गिव आंसर। यस ओके, ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी कैसे आती है? अभी मैंने तो ट्राई नहीं किया ऑफ कैंपस, पर मेरे कुछ फ्रेंड्स ने ट्राई किया था। सो यू नो ऑफ कैंपस में तो द प्रॉब्लम इज दैट यू नो आपको अवेयर होना चाहिए कि कहाँ से आपको मिलेगा, न्यूज़ आपके पास होनी चाहिए कि इस कंपनी में इतनी अवेलेबल ओपनिंग्स है, आपको ट्राई करना है तो आप जनरली लिंक्डइन में सबको सब मिल जाएगा, ठीक है। लिंक्डइन पे आपको ये कंपनी में इतनी ओपनिंग है, आप अप्लाई कर सकते हो वहाँ से। अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट्स में है कि वो उस कंपनी में काम करता है तो इवन बेटर। ग्रेट। और हमारे टाइम अभी क्या था कि मैंने 2-3 टेलीग्राम इन व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखे थे, तो हाँ हर 1-2 दिन में उसमें लिंक्स आती रहती थी 10-12 एक साथ की, इस किस जगह पे ओपनिंग से यू कैन अप्लाई, सो यस मे बी आप ये भी कर सकते हो। हाँ एंड मैंने तो लिंक्डइन पे एक टेम्पलेट बना के रखा था कि माय स्किल इज दिस, आई वांट इंटर्नशिप, प्लीज रेफर मी, और जितने लोग कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते थे सबको सेंड कर तो देता हाँ था। बस यही करना पड़ेगा क्योंकि लिंक्डइन पे यू नो सबके पास काम है, सब फ्री नहीं होते, राइट। तो भेजो, शायद 10 को भेजा आपने, 5 आपका मैसेज देखेंगे, 2 आपको रिप्लाई करेंगे, तो जितना ज़्यादा भेजो उतने अच्छा चांसेस है ऑफ कैंपस में हाँ, और आंसर मतलब रिप्लाई आते भी है अगर ठीक आते से थे। हम मैसेज लिखे तो, हाँ रिप्लाई करेंगे ही वो। लेकिन वहाँ पे अगर सर है और हमने हेलो मैम ऐसे करके छोड़ दिया बिना देखे तो फिर नहीं आते, मतलब उनको लगना चाहिए कि जेन्युइनली इंटरेस्टेड है आप ऐसा। हाँ इंटरेस्ट आपको, हाँ वो दिखाना पड़ता है आपको कि इंटरेस्ट। कि तो जॉब मिलने के बाद कहाँ वर्क कल्चर कैसा है वहाँ का, क्रिएशनल वर्क सिस्टम का? कल्चर, वर्क कल्चर तो बहुत बढ़िया है, सब हेल्प करेंगे आपको, कहीं पे भी जाओ आप, कुछ नहीं आता है तो पहुंच जाओ उनके पास, उनका सर खाने लो कि नहीं आता है ये कैसे करना है, तो कुछ आपको बोलेंगे नहीं, आराम से सिखाएंगे। पहले तो कहीं पे भी जाओ आप, कोई भी कंपनी में जाओ, तो पहला तो स्टेप क्या करेंगे, वो इंस्ट्रक्शन उनका यही होगा कि पहले खुद एक्सप्लोर करो, राइट। तो पर मेरे को कुछ नहीं आ रहा है तो वो आपको बोलेंगे कि पहले खुद एक्सप्लोर कर लो, अगर नहीं होता है फिर आप उनके पास। ओके ग्रेट। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्चुअली करता क्या है, पूरे दिन 24/7 कोडिंग ही करनी होती है या और भी कुछ काम होते हैं? नहीं हम गेम भी खेलते हैं, कार्ड्स भी खेलते हैं, काम भी करते हैं, सब करते हैं। बीच में थोड़ा मीन्स टाइम मिल गया, फ्री थोड़ा
बातें बातें कर लिया, एनीमे कौन कौन एनीमे कितना देखता है वो भी बातें कर लेते हैं। तो पूरे दिन काम नहीं करना होता है जनरली, आपको मीटिंग्स भी होगी, आप टीम के साथ बैठे होंगे, टीम क्या आप कुछ प्लान करेंगे टीम सब वो सब। जिसके पास अभी प्रिपरेशन के लिए एक ही मंथ बचा है, मतलब उसके बाद नहीं कर रहा हूँ। जिन्होंने स्टार्टिंग से कुछ नहीं किया वो लोग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी शायद एक मंथ जैसा है उनके पास। तो अब उन लोगों को अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? देखो अभी हम इतना अज्यूम कर सकते कि पहले से आ रहे हैं तो उनका बेसिक आइडिया होगा, डीएसएलआर से थोड़ा कॉलेज में सिखाया होगा, उप्स है, फिर डीबीएमएस से, ये ऑलरेडी सीख के आ रहे हैं, तो उनको सिर्फ रिवीजन करना है ये सब चीज़ों का, दैट्स इट। तो मैं ये बोलूँगा कि पहले बेसिक्स जो है ना वो क्लियर कर लो, उप्स है, डीबीएमएस के बेसिक्स है, फिर नेटवर्किंग के है, राइट। और अपने जॉब प्रोफाइल के हिसाब से थोड़ा कहाँ पे आपको जाना है, कौन से रोल में जाना है, उसके हिसाब से आप अपने बेसिक्स पहले तो क्लियर कर लो, क्योंकि इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिक्स ही पूछेंगे आपको, ये कोई एडवांस चीज़ आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे वो। फिर एप्टीट्यूड दैट्स से मैं बोलूँगा तो एप्टीट्यूड की थोड़ा प्रिपरेशंस करते जाओ, राइट। जो आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मेरे को वेबसाइट याद नहीं है, एक वेबसाइट है वहाँ पे आपको सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। वो थोड़े थोड़े सॉल्व करते रहो, जनरली सारी वेब कंपनीज एप्टीट्यूड राउंड नहीं लेती, जनरली लेती है पर नहीं लेती कुछ कंपनियां जैसे, राइट। तो एप्टीट्यूड थोड़ा प्रिपरेशन कर लो, फिर कोडिंग राउंड, अगर आपको डीएसए पसंद भी नहीं है मेरे जैसा तो थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए, दैट्स इट, राइट। आपको सिर्फ क्या है कि कोडिंग राउंड से आगे नीचे आना है, कोडिंग राउंड में पास होने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक आपको आना चाहिए, राइट। मेरे को तो ट्री ग्राफ बिल्कुल भी नहीं आता है, राइट। तो थोड़ा आइडिया ले लो कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है या क्या करना है, आपको बहुत डीप में नहीं जाओगे तो भी ठीक है, क्योंकि कोडिंग राउंड में क्या होता है कि लेवल्स होते हैं क्वेश्चंस के, कुछ क्वेश्चंस इजी होंगे, इजी मीडियम लेवल के, वो आपसे कोई भी कर लेगा इंसान, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से वो कोई भी इंसान कर सकता है सॉल्व। फिर दूसरे राउंड में फिर कुछ एक दो क्वेश्चन है ना हार्ड हो, जो ट्री ग्राफ के होगी, या तो एडवांस पे कुछ लिंक लिस्ट दिया उसके, तो वो भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करो, कोई बात नहीं है कि आपको पूरा सॉल्व कर ही लेना है, सिर्फ अटेम्प्ट करना है आपको कि ट्राई हो पाए कि आप सॉल्व कर लो। जनरल आइडिया सपोज आपने दिफाई की प्रॉब्लम समझ लिया कि ऐसे सॉल्व करना है, आप बस वो लिख दो वहाँ पे तो भी चलेगा, राइट। आपको पूरा 100% सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन, तो ये हो गया। फिर कोडिंग राउंड के बाद तो फिर एचआर राउंड में आई वुड से कि बातें करना शुरू कर दो फ्रेंड्स के साथ, जनरल टॉपिक्स पे भी डिस्कशन, और इनफ। प्रोफेशनली हाँ प्रोफेशनली इंग्लिश इट इज मैंडेटरी, इंग्लिश में आपको बात करना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, मतलब हमने भी किया था 2-3 महीने पहले आई गेस। डिसाइड किया था कि अब से हम हमारी जो कि एसजीपी की लैब होगी हाँ उसमें इंग्लिश में ही बात करेंगे, एंड करते थे, हेल्प भी होती थी, मज़ा आता था। क्या आप जैसे जैसे बात करोगे वैसे वैसे आप ठीक है, अपने आप अपने आप सुधरते इम्प्रूव हो जाएंगे गया। इंग्लिश। हाँ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश भी नहीं चाहिए, सिंपल इंग्लिश में बात करो, दैट्स मोर देन। यस, ग्रेट। ओके, सो इट वॉज इट। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू अस। और कुछ आपको कहना होगा हमारी ऑडियंस के? ऑडियंस से कि देखो ये इंटरव्यूज को ऐसे मत देखो कि कोई कोई ऐसे हार्ड चीज है, इट इज सिंपल चीज, सिंपल चीज है, अपने वाइवा में जो करते हो वही करना है, सिर्फ प्लेसमेंट आपका होगा इससे, राइट। कि ऐसे ही सोच के जाए कि वो सामने जो बैठा है इंटरव्यूअर आपका फ्रेंड है, वो सामने से ऐसे ही बिहेव करेगा कि आपका फ्रेंड है, वो आपको काम करने की कोशिश करेगा, तो डरना नहीं है, सोच के जवाब देना है आराम से, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उनको ना बोल दो कि ये क्वेश्चन नहीं आता है, टाइम उनका बिगाड़ना नहीं है, तो वो भी अपना टाइम लेके आ रहे हैं आपको सिलेक्ट करने के लिए, तो
वो भी ध्यान रखें। और रिज्यूमे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि रिज्यूमे में आप जो हो वो ही दिखाओ, ज़्यादा गलत चीज़ें नहीं लिखना है बस। एक्चुअली कई बार क्या होते हैं, क्वेश्चंस अगर नहीं आते लेकिन हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होता है कि मैं सीख लूंगा, फिर भी हम कई बार निकल जाते हैं, हायर हो जाते हैं। सो वो एटीट्यूड मैटर हाँ करता है। वो लेके जाएंगे, क्योंकि देखो अभी क्या है कि उनके पास रिसोर्स है, आपको कुछ नहीं आता है तो आपको सिखाएंगे, ठीक है। उनको वो इंसान चाहिए जो काम कर सकता है, जो सोच सकता है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, ऐसे मेरे कितने एक दो फ्रेंड्स हैं जिनको बोलेंगे उनको डेवलपमेंट भी नहीं आता था या DSA भी नहीं आता था, फिर भी वो लोग सिलेक्ट हो जाते थे, राइट। उनका एटीट्यूड ऐसा था, उनकी थिंकिंग स्किल, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी। ओके ग्रेट। ओके इट वाज वेरी नाइस टू टॉक टू यू कृतिक, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम। और बेस्ट ऑफ लक ओके एवरीवन, इनका यहाँ भी प्लेसमेंट या इंटरव्यू है, आप अच्छे से अच्छी जगह पे सिलेक्ट हो जाओ। एनी क्वेरी यू कैन रीच आउट टू कृतिक ऑन लिंक्डइन। या श्योर, ओके थैंक्स अ लॉट कृतिक, बाय। बाय बाय। Thank you.